अंबाला में ऑपरेशन क्लीन के तहत महेश नगर पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में दो व्यक्ति और तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पहला मामला अंबाला कैंट के पूजा विहार के पास का है, जहां पर एक दंपति द्वारा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ये दोनों पति पत्नी बाहर से लड़कियां लाकर यहां पर उनसे अनैतिक कार्य करवाते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नकली ग्राहक बनाकर उनके घर पर रेड मारी और वहां से दो लड़कियों को हिरासत में लिया। इनमें एक लड़की चंडीगढ़ के पास मोहाली की है तो वहीं दूसरी लड़की यूपी के गाजियाबाद की बताई जा रही है। पुलिस ने डीएसपी अनिल कुमार की अगुवाई में पति पत्नी समेत दो लड़कियों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरा मामला दो दिन पहले अंबाला कैंट के न्यू दयाल बाग का है, जहां एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चला रही थी। वो भी बाहर से लड़कियां लाकर उनसे यहां अनैतिक कार्य करवा रही थी, जिसमें मां बेटी समेत बाहर से लाई गई 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। महिला की एक बेटी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गई थी। उसको केस से बाहर कराने की एवज में अमरजीत नामक व्यक्ति ने 1,00,000 रुपये लिए, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे 46,000 रुपये बरामद किए गए। पुलिस अभी बाकी के रुपए उसने कहाँ रखे हैं इसके बारे में पूछताछ कर रही है। तो इसी प्रकार से आज फिर हमें मेस नगर थाना के एरिया में एक गुप्त सूचना मिली थी कि पूजा विहार तो यहाँ पे एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक जो है वो साहा से है, यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता है तरुण, और वो बाहर से लड़कियाँ ला कर के खरीद फरोख्त करके लड़कियों का यहाँ पे वो अनैतिक कार्य करवाता है, ग्राहक बुलाता है और कमीशन वो खाता है। इस सूचना के ऊपर आज मैं महिला पुलिस निरसार्थ और प्रबंधक थाना ये सभी लोग थे, तो हमने ऐसे ही एक ग्राहक बॉक्स ग्राहक बोलते हैं तो उनको हमने नोट दे करके अपने सिग्नेचर करके वही सेम डील कराई, तो वहाँ जा करके उन्होंने उसी प्रकार से डील करी जैसे वो ग्राहकों से करते हैं, तो उनसे पैसे बरामद हुए। मौका से दो जो लड़कियाँ हैं पंजाब चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली से हैं, एक लड़की यूपी गोरखपुर से है, जिनको मंगवा करके इस अनैतिक धंधे में परोसा जा रहा था, उन लड़कियों को भी हमने हिरासत में लिया है। और बाकी जो अपना तरुण है उनको और उसकी पत्नी को जो हमारे दोस्ती भी है उनको हमने वहाँ से मौके से गिरफ्तार किया है। तो ये जो मामले लगातार चल रहे हैं, ऐसी शिकायतें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा हमारी जो पुलिस महेश नगर को एक सूचना और मिली थी जो हमारा इमोरल। बहरहाल पुलिस आज इन सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। सत्य खबर के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।